हे गाइस, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं कश्मीर। आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पैसिव मनी। पैसिव मनी कैसे अर्न करें उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। पैसिव मनी क्या होता है पहले ये तो समझो। पैसिव मनी मीन्स दो तरह के मनी अर्निंग के सोर्सेस होते हैं। एक होता है एक्टिव मनी सोर्सेस और एक होता है पैसिव मनी सोर्सेस। एक्टिव मनी सोर्सेस क्या होता है, जो आप हर मंथ ऑटोकैड, स्टेट प्रो, ईटीएफ, टेक्ला, जो भी सॉफ्टवेयर आपको आता है उसके थ्रू जो जॉब करते हो, जो हर मंथ सैलरी आती है, दैट इज योर एक्टिव मनी। इसमें अगर आप जॉब करना बंद कर दोगे तो आपका एक्टिव मनी बंद हो जाएगा। लेकिन पैसिव मनी क्या होता है, पैसिव मनी ये होता है कि आप साइड बाई साइड या फिर जैसा भी आपकी इच्छा करे, आप एक काम को कर चुके हैं, अब उसी काम को दोबारा रीसेल 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 कर करके पैसे अर्न कर दे, दैट इज पैसिव मनी। कैसे पैसिव मनी अर्न कर सकते हो, चलिए वीडियो को शुरू करते हो, समझते हैं डीप में कि हाँ यार पैसिव मनी पर तो हमने दिमाग ही नहीं लगाया। क्योंकि देखो क्या होता है कि एक्टिव मनी का एक फिक्स लिमिटेशन है। अगर आप जॉब कर रहे हो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, इससे ज्यादा पे आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन पैसिव मनी ऐसा है कि जो आपको मल्टीप्लाई करके दे सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे पैसिव मनी में हम लोग मल्टीप्लाई करके पैसे अर्न कर सकते हैं। पहला तरीका जो है बहुत ही सिंपल तरीका है। आज के टाइम में अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आप ऑटोकैड और रेबिट सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए? ऑटोकैड और रेबिट। आप बोलो ऐसा क्यों सर? ऑटोकैड और रेबिट सीखने के बाद सबको पता है कि अभी जो सिटी, छोटे सिटीज है, वहां पर प्लॉट के साइजेस फिक्स हो चुके हैं। क्योंकि हर किसी का जो प्लॉट है वो प्लॉट 20x50, 25x50, 30x50, 35x50, लगभग लगभग यही रेंज में किसी का 50 की जगह 60 हो जा रहा है। तो लगभग लगभग सबके प्लॉट के साइजेस फिक्स हो चुके हैं। सो अगर आपको ऑटोकैड और रेबिट आता है, उस पर आपने 50 से 60 सैंपल्स बना लिए, इतने बाई इतने का प्लॉट रहेगा तो ये 3D ये बनेगी, इतने बाई प्लॉट इतने का रहेगा तो इसकी प्लानिंग और 3D ये बनेगी। अगर इस तरीके से आप 50 से 60 सैंपल्स बना लेते हैं, बिलीव करिए आपको जितने भी क्लाइंट आएंगे, ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज आपने एक 2BHK तैयार किया था 1,000 square feet में, तो 2BHK तैयार करने के 2-3 मेथड्स तैयार कर लीजिए। मतलब कि हमने इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेम 3BHK के लिए अगर 1200-1500 square feet है तो मतलब अगर आपने एक बार प्लानिंग कर ली, उसके बाद अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप उसको सैंपल्स दिखा सकते हैं, डेफिनेटली वो वाला मत दिखाइए, नहीं तो बोलेगा यार वही तो दे दिया, ठीक है। तो आप दूसरे सैंपल्स दिखा सकते हैं और उसके बाद उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद मैक्स पॉसिबिलिटीज होगी तो प्लानिंग तो आपकी सेम टू सेम चली जाएगी, क्योंकि वो लगभग लगभग वही तो प्लानिंग का तरीका होता है। और उसके बाद जो 3D होगा उसमें अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग उन्होंने कहा तो कर दीजिए, नहीं कहा तो आप सेम टू सेम दे सकते हैं। मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने 50 से 60 या फिर 100 सैंपल ले लीजिए, 100 सैंपल्स बना के रखे हैं और उनके फोल्डर के नाम रखे कि इतने बाई इतने का, इतने बाई इतने का, इतने बाई इतने का। अब जैसे रिक्वायरमेंट सामने वाली की आई, आप फटाफट ओपन करो, उसको शेयर कर दो, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा और एक अच्छी एक्टिव सॉरी पैसिव इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए हाँ, कई लोग, कई ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। वो वेबसाइट्स क्या कर रही हैं, मैं किसी को यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं करूँगा, आप सबको पता है कई ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर क्या कर रखे हैं, उन्होंने अपलोड कर रखे हैं इतने बाई इतने का ये, इतने बाई इतने का ये। अगर आपको पूरा कंप्लीट देखना है तो बाई नाउ। तो अगर आपका कोई दोस्त डेवलपर वगैरह है तो 1,000-2,000 रुपये दे के वेबसाइट पर भी अपलोड करवा दीजिए। अगर कोई बोलता है तो वहाँ से आपसे परचेज कर सकता है। अदरवाइज क्या बोलते हैं, अगर आपका ऑफलाइन कॉन्टैक्ट अच्छा है तो ऑफलाइन भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे अच्छा पैसिव इनकम मुझे आज का टाइम में जो लगा वो ये है। दूसरा पैसिव इनकम है इंटीरियर डिजाइनिंग्स में। इंटीरियर डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स लगभग लगभग सेम ही रहते हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग सबके रहते हैं। अगर आप ढेर सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं खुद बना के, 3ds Max वगैरह सीख के, और उसके बाद क्योंकि किचन कैसे होगा, किचन के मॉड्यूलर करने के कंडीशंस लगभग लगभग तो सेम ही होंगे ना। बहुत चेंज होगा तो उनके कलर, स्टाइल्स के कलर ये बदल जाएंगे। मैक्स की फाइल आपके पास रखी हुई है, जो उनको चेंजिंग्स उन्होंने बोला हुआ है वो चेंजिंग्स करके फटाफट वो फॉरवर्ड कर देना है। मतलब थोड़ा सा मेहनत तो देखो करना पड़ेगा। पैसिव मनी मतलब ये थोड़ी है कि ये म्यूचुअल फंड है कि बस लगा दिया आराम से सोए हो, नहीं, थोड़ी सी इसमें मेहनत है बट बहुत नॉमिनल है। तो थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद आप पैसिव इनकम एक तरीके से जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ अच्छी चीज़ ये है कि इससे आपका काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि तो 10 मिनट का काम है जो थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। बाकी आप एक्टिव इनकम करके, मतलब कहीं पर जॉब करके आप अर्निंग कर ही रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग ये दूसरा सबसे अच्छा पैसिव इनकम हो सकता है। तीसरा पैसिव इनकम हो सकता है, आप ब्लॉग्स बनाइए। ब्लॉग्स इन द सेंस कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ब्लॉग्स बनाने में मेहनत बहुत लगता है बट लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा दे के चला जाता है आपको। आपने रैबिट सिटी सुना होगा, rabbitcity.com, और आपने सुना होगा बीम ऑब्जेक्ट,
ठीक है, और एक 3D मॉड्यूलर करके वेबसाइट, बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स है, मैंने तो एक वीडियो ही सेपरेट इस पे बनाया था, फिर से चाहिए होगा तो बता देना। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाओ, ब्लॉग्स इन द सेंस जैसे मैं चेयर पर बैठा हूँ तो चेयर का ब्लॉग, लैपटॉप का ब्लॉग, एक पूरा 3D मॉडल का ब्लॉग, किसी भी तरीके जो आपको अच्छा लगता है, किस तरह के डिजाइन मुझे पसंद है 3ds Max में, Revit में, आप बना लीजिए। बनाने के बाद उन वेबसाइट्स पर लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, एक बार डालना है, उसके बाद जितने बार लोग उसको परचेस करेंगे आपको उनका परसेंटेज मिलता है। टर्बोस्क्वाइट एक अच्छी साइट है, हमें याद आया कि टर्बोस्क्वाइट पे भी लोग काफी लोग करते हैं, तो वहां पर क्या करना है, अपलोड कर देना, बट ये नहीं कि आज कर दिया तो आज ही आपको पैसा मिलने लगेगा, थोड़ा इंतजार करना, क्योंकि ये पैसिव इनकम, एक बार अगर स्टार्ट हो गया, एक बार आपका ट्रेंडिंग में आ गया, तो आप समझिए कि अब आप करते रहिए, बहुत अच्छे से आप इसमें पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये तीसरा पैसिव इनकम मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा है। चौथा पैसिव इनकम जो है, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ये सब तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले ही इन्वेस्टमेंट मान के चलो जो अभी तक तीनों बताए हैं। चौथा है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इन द सेंस कि अगर आप लोग सपोज आप कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, पूरे की पूरी प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे तक आप ले लेते हैं, उसको लीज पे डाल लेते हैं। लीज इन द सेंस कि अगर एक दो साल का, तीन साल का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई 3 साल मैं इस पूरी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से हैंडल करूंगा, आपको जो चार्जेस चाहिए वो मैं चार्जेस आपको पे कर दूंगा। तो सपोज उन्होंने 1 लाख रुपए आपको आपके लिए लिया, ये मैंने बोला ना थोड़ा सा इसमें पैसे डालना पड़ेगा, 1 लाख रुपए वो मंथली वो चार्ज कर रहे हैं आपको। अब आप दिमाग लगाइए कि इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका आज के टाइम में है कि क्योंकि देखो पूरा खरीद के प्रॉपर्टी को फिर बना के फिर करना, ये अभी आपके लिए काफ़ी मेहनत वाला हो सकता है और पैसिव इनकम में इतना पैसा आप नहीं डालना चाहोगे। लेकिन अगर लीज पे आप लेते हो, थोड़ा सा आप स्ट्रगल करने वाले बंदे हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे एक अच्छी सी वेबसाइट बना लो या फिर कोई भी एक पेज बना लो और इस उस लोकेशन को सर्च करो जिस लोकेशन पे लोगों की विजिटिंग ज़्यादा होती है, जैसे कि कोई धार्मिक प्लेस है वहाँ पर अगर आप देख सकते हो, या फिर कोई ऐसे जो टूरिज्म प्लेस है वहाँ पे अगर आपको कुछ लिस्ट पे मिल सकता है तो उठा लीजिए। और कुछ नहीं करना है, उसका एडवर्टाइजमेंट आप कर दीजिए। अभी आज के टाइम में तो बहुत ढेर सारे होटल्स हैं, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट उसे कॉन्टेक्ट कर लो, अभी नाम ले लो तो अगर मेक माई ट्रिप है, ओयो है, और भी बहुत ढेर सारे हैं, तो इनसे कॉन्टेक्ट कर लो और आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर दो वहाँ पे, वो आपको क्लाइंट देते रहेंगे और आपका इनकम डेली बेसिस पे जनरेट होता रहेगा। और 1 लाख रुपये आप सिर्फ पे करोगे जो ऑनर है, बट आप जो कमाओगे वो 30 से 35 लाख रुपए तक कमा सकते हो। लेकिन आप बोलोगे सर 30 से 35 लाख, हाँ भाई मेहनत बहुत करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी बुकिंग कम मिले, तो ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है पैसे अर्न करने का। चौथा ये तरीका था। पांचवा तरीका है, इसी से रिलेटेड है, वो भी रेंटल इनकम है। उसमें कैसे हो सकता है कि जैसे कि हम लोग कॉलेज टाइम में, वो मैंने सोचा था उसके बारे में, हम लोग कॉलेज में रहते थे तो कई ढेर सारे ऐसे लोग होते थे जो अपनी प्रॉपर्टी तो बना रखे हैं, उन्होंने वो प्रॉपर्टी पे ज़्यादा वो अर्निंग नहीं कर रहे, तो हमको जाके थोड़ा सा आपको बताना है कि भाई हम आपको इससे ज़्यादा इनकम करके देंगे, वो तुरंत आपको एग्रीमेंट कर दें। और पीजी मॉडल कुछ आप सर्च कर सकते हो, उसमें आपको कुछ नहीं देखना है, पीजी इन द सेंस कि जो भी आपके ऑफिस के लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं, एक लड़का था यहाँ पुणे में भी मैंने देखा था, वो हमारे ऑफिस में ही काम करता था, उसने क्या किया था, वो जिस पीजी में रहता था, मतलब जिस जगह पर रहता था, उसने क्या किया था, उसके ऑनर से कॉन्टेक्ट कर लिया था कि भाई हम पूरा का पूरा बिल्डिंग तुम्हारा ले लेंगे, तो कुछ 70-70 हज़ार रुपये रेंट था उसके पूरे बिल्डिंग का, और उसने अपने ऑफिस के सारे बंदों को बता रखा था कि हमने पीजी खोला हुआ है, और उसके साथ ही साथ और लोगों को प्रमोट किया था पोस्टर वोस्टर लगा के, तो उसके पीजी पूरी की पूरी फुल रहती थी, कुछ नहीं करता था वो, सुबह ऑफिस जाता था, वो विदाउट फूड वाला रखा था, उसको फूड वूड का खाने वाने का कोई टेंशन नहीं था, जाता था वो, लगभग 4500 रुपये उसके चार्जेस होते थे सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए, और कुछ नहीं, एक सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन लगा दिया था, पार्किंग थी, आराम से वो 1.5 से 2 लाख रुपए की अर्निंग करता था, 70 हज़ार रुपये उसको देते थे, बाकी उसको हो जाता था, प्लस वो खुद भी रहता था और जो उसकी फैमिली के लोग भी, मतलब उसके भाई वही लोग भी आते थे, वो लोग भी रहते थे, मतलब उससे मैंने ये सीखा था, ये पाँचवा मॉडल कि ये प्लान कर सकते, तो अगर आपके दिमाग में है तो इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये पांचवा इनकम आपके साथ अच्छा हो सकता है। छठवा इनकम क्या हम लोग कर सकते हैं, मतलब जनरेट कर सकते हैं, छठवा इनकम पैसिव तो है बट एक बार आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत इन द सेंस कि आपको अपने बिल्डर से अच्छे कॉन्टेक्ट बनाने पड़ेंगे और उनको बोलना पड़ेगा कि देखो भाई हम आपको लीड देंगे, क्या देंगे आपको लीड देंगे, कंप्लीट करना आपका काम है, ठीक है, आप मुझे 2% की जगह पे 1% शेयर करो, लेकिन अब उनको कन्वर्ट आप करो, दिखाओगे आप, क्योंकि आप तो जॉब कर रहे हो ना, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, फेसबुक के थ्रू किसी के थ्रू आप अपना सेल्स जनरेट करो, सेल्स जनरेट इन द सेंस कि लोगों ने लाइक किया, आप जैसे उनको बोलो कि हाँ आप जाके विजिट कर लीजिए, और वो जाके विजिट करेंगे तो आपका नाम वहाँ पर अपॉइंट हो जाना चाहिए कि भाई इस बंदे ने विजिट करवाया है, उसके बाद वहाँ के सेल्स के लोग अपना उस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे और आपका कमीशन बन जाएगा, और ये बहुत आसान तरीका होता है, कुछ नहीं करना है आज के टाइम में, क्विकर पे और ये क्या बोलते हैं OLX पे, इन सब पे आप लोग ऐड, बहुत लोग ऐड लगाते हैं, ऐड लगा के इसके थ्रू भी आप ऐसे अर्न कर सकते हो, तो ये भी
पैसिव इनकम ही मैं मानूंगा, क्योंकि अफकोर्स एक बार आपने ऐड लगा दिया एक हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए, लीडिंग्स आपको मिल गई, सिर्फ लीडिंग आपने ट्रांसफर कर दिया कि भाई अपना बात करो और समझाओ, इसके बाद अगर मेरा डील होता है तो हमें बता दो। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ट्रस्टफुल पर्सन से मिलना पड़ेगा, ट्रस्टफुल बिल्डर से मिलना पड़ेगा जो भाई आपका जेन्युइन हो। और आई थिंक हम लोग के लिए काम बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हम सब सिविल इंजीनियर है, तो हमारा कोई ना कोई दोस्त ही तो कर रहा है, तो कोई दोस्त कर रहा है तो दोस्त पे इतना तो भरोसा कर ही सकते हो कि हाँ यार लीड आएगा तो क्या बोलते हैं 50-60 हज़ार रुपये के लिए धोखा नहीं देगा, उसे दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जनरली जो अच्छे लोग होंगे वो इतने छोटे अमाउंट के लिए बहुत फ्रॉड नहीं करेंगे, उनको लॉन्ग टर्म दिख रहा है ना कि बार बार पैसे वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो गाइस ये थे मेरे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ प्रैक्टिकल आपके पास दिमाग में है कि सर ये चीज़ करके भी हम लोग पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली कर लीजिए। मैं एक काम और करता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड करता हूँ। आप सबको पता होगा आप स्टॉक्स, तो मतलब मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि आपका मन करे तो उसमें कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता होता है कि बिल्डिंग का कंडीशन कब अच्छा होने वाला है, कब बुरा होने वाला है, ठीक है। मतलब ये बिल्डिंग्स के कई ढेर सारे, अभी आपको अगर चाहिए तो उसमें मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो हमें पता रहता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन कब डाउन जा रहा है, तो जब कंस्ट्रक्शन लाइन डाउन जाता है तो फिर हम लोग एक स्मॉल केस आपने सुना होगा, तो अब स्टॉक्स पे अगर अकाउंट बनाया है तो स्मॉल केस ऑटोमेटिक बन जाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रियल्टी ट्रेकर नाम से कई ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उनमें सीधे 7 पैसे डाल दो। उसके बाद जैसे ही आपको पता है कि जब रियल एस्टेट ऊपर जा रहा है तो वो आपका ग्रोथ होता चला जाएगा, और फिर उसके बाद मैं उसको सेल कर देता हूँ। तो मतलब मैं वहाँ से इनकम जनरेट करता हूँ। फिलहाल तो मैं पूरा शेयर मार्केट ही में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इस चैनल पर उस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रियल्टी ट्रैकर, मतलब कि उस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँ जो रियल एस्टेट को केवल हैंडल करता है, तो आप नीचे कमेंट करना, एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिविल इंजीनियर्स ये समझ सकते हैं कि हाँ यार ये राइट टाइम है पैसे डालने का और ये राइट टाइम है पैसे निकालने का, तो वहाँ से पैसे अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हो, ये पक्का है। मतलब 25-30% तक भी पहुँच सकते हो, और अगर अच्छा आपका लक नहीं रहा तभी 12% तो मिल ही जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की रेगुलर मीन्स डेली यहाँ पर नए ढेर सारे वीडियोस बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस, अपने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस, अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस, जिससे कि आपका ग्रोथ हो सके, आप उन चीज़ों में गलतियाँ ना करें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।